आज से कुछ दहाइयों पहले मगरिब में हम जिंस परस्ती के जिस एजेंडे का आगाज हुआ था, उसने अब तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, मूवीज और टीवी ड्रामों के जरिए अवाम की राय इस हक में बनाई गई कि ये एक फितरी चीज है और हमें ऐसे लोगों को खुले दिल से कबूल करना चाहिए कि यही लिबरल और आजाद ख्याल होने की निशानी है। फेसबुक, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पर इसकी खूब तरवीज की गई। मुसलमानों के जहन इसका खुसूसी हदफ थे, यहां तक कि बाहिजाब लड़कियों को इसका हामी दिखाया गया। अब ये गंदगी मुख्तलिफ मुमालिक में कानून इख्तियार कर चुकी है और मुख्तलिफ मुल्कों में LGBTQ कम्युनिटीज बन चुकी हैं, जिन्हें वहां शराब, जिना और सूद की तरह कानूनी तहफ्फुज़ हासिल हो चुका है। 70 की दिहाई तक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के मैनुअल में हम जिन्स परस्ती एक बीमारी के तौर पर दर्ज थी, जिसको बाद में इस फहरिस्त से निकाल दिया गया। हम जिन्स परस्तों के हुकूक के लिए शुरू होने वाली इस तहरीक ने ट्रांसजेंडर के हुकूक के नाम पर अब एक भयानक रूप इख्तियार कर लिया है और वो है जेंडर फ्लूइडिटी, जिसके मुताबिक अब कोई भी किसी भी वक्त अपनी जिन्स बदलने का ऐलान कर सकता है, एक ऑपरेशन के जरिए अपने आप को लड़का या लड़की बना सकता है और चाहे तो सर्जरी के जरिए अपनी जाहिरी साख मस्त कर सकता है। मामले की संगीनी इतनी बढ़ चुकी है कि मगरब में पैदा होने वाला हर बच्चा खुद अपनी जेंडर तय कर सकता है कि वो अपने आप को ही कहलवाना चाहता है, शी या फिर दे। खतरे की बात यह है कि LGBT का फितना अब ना सिर्फ मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रहा है, बल्कि पाकिस्तान में बाकायदा इसके लिए कानून साजी हो चुकी है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट के नाम पर 2018 में हुकूमत ने ख्वाजा सराहों के हुकूक के तहफ्फुज की आड़ में इस एक्ट को पास किया। इस एक्ट की शिक नंबर 2 और 3 के मुताबिक ये एक्ट सिर्फ तिब्बी मसाइल के हामिल लोगों यानी हकीकी ख्वाजा सराओं तक महदूद नहीं, बल्कि ये हर शहरी को महज अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर मर्द से औरत औरत से मर्द बन जाने की इजाज़त देता है। नादरा का इदारा भी इसकी तब्दील शुदा जिन्स दर्ज करने पर मजबूर होगा। इस तरह वो कानूनन अपनी असल जिन्स से शादी भी कर सकता है, यानी मर्द मर्द की शादी और औरत की शादी में अब कोई कबाहत नहीं रहेगी। यही वो चोर रास्ता है जिसने बदकिस्मती से हम जिन्स परस्ती के इस घिनौने अमल को पाकिस्तान में भी कानूनी हैसियत दे दी है। पाकिस्तान की सेनेट में इस कानून के खिलाफ तनहा तवाना आवाज जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की है, जिन्होंने इस बिल को हकीकी ख्वाजा सराओं तक महदूद करने की तरमीम पेश की और जेंडर की तब्दीली को मेडिकल बोर्ड की मंजूरी से मशरूत किया कि आया वो वाकई ख्वाजा सरा है या महज अपने जहनी खलल यानी जेंडर डिस्फोरिया की बुनियाद पर यह काम करवा रहा है। लेकिन तमाम लिबरल जमातों ने इस तरमीम को रद्द कर देने का फैसला किया। हमारी सियासी पार्टियों और पार्लियामेंट की मुजरिमाना गफलत का ये हाल है कि जिस जहर से मगरब का खानदानी निज़ाम आज तबाह हो चुका है, वही जहर पाकिस्तानी कौम को इंसानी हकूक के तहफ़ के नाम पर पिलाया जा रहा है। ये वक्त है कि पाकिस्तानी कौम अपनी नस्ल, अपनी अकदार, अपने ख़ानदानी निज़ाम और अपने दीन को बचाने के लिए फौरी होशियार हो जाए, कबल इसके कि ये जहर खुद हमारे माशरे के हर घर में सराइयत कर जाए और हम इसको हासिल कानूनी तहफ्फुज़ की वजह से इसका कुछ भी ना कर सकें।